सोलन के माल रोड पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें पुराने बस स्टैंड और चिल्ड्रन पार्क के बाहर नाका लगाया गया और जो भी यातायात नियमों की अवहेलना करता पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। सोलन के माल रोड पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें पुराने बस स्टैंड और चिल्ड्रन पार्क के बाहर नाका लगाया गया और जो भी यातायात नियमों की अवहेलना करता पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। आपको बता दें कि माल रोड पर शाम के समय वाहनों पर रोक लगा दी जाती है और ये रोक 8 बजे तक रहती है, लेकिन जैसे ही 8 बजते हैं और वाहनों को फिर जोड़ा जाता है तो ये वाहन बेहद तेजी से माल रोड से गुजरते हैं, जिसकी वजह से दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। इन्हीं वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए ये कार्यवाही अमल में लाई गई है। अधिक जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी राकेश गुलेरिया ने बताया कि सोलन के माल रोड पर नाके लगाए गए हैं और जो भी चालक यातायात नियमों की अवहेलना करते हुए पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाएगी। गुलेरिया ने बताया कि उन्हें पिछले काफी दिनों से लोगों की शिकायतें मिल रही हैं कि माल रोड पर रात के समय युवाओं द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना की जाती है और 8 बजे वाहनों की आवाजाही शुरू होते ही काफी रेस ड्राइविंग होती है, इसलिए उन्होंने आज नाका लगाया और कई वाहनों के चालान भी किए गए। उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्यवाही भविष्य में भी चलती रहेगी। आज एक कैंपेन चलाया गया था कि लोगों की शिकायतें काफी दिनों से मिल रही थी कि 8 बजे जब माल रोड खुलता है तो दोनों तरफ से ओल्ड डीसी चौक से और ओल्ड बस स्टैंड से जैसे ही खुलता है तो टू व्हीलर जो चालक हैं टू व्हीलर को इतनी स्पीड में ले जाते हैं और बिना हेलमेट से आते हैं तथा तो लोग फोर व्हीलर जो कारों वाले हैं वो विदाउट सीट बेल्ट चलते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए आज जो है हमने जो ट्रैफिक स्टाफ सोलन है राड़ी मार्केट और गर्ल्स स्कूल के पास नाका लगाया है। तो जो जो हमें शिकायतें मिली थी जिन लोगों ने जो है जो जो सुनने में बात है जो अपराध किया गया था जब विदाउट सीट बेल्ट विदाउट हेलमेट या रैश एंड जिनके स्पीड में थे तो उनके कुछ एक चलान किए गए हैं और सीट बेल्ट के चलान किए गए। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।